लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 प्लस 2 की केमिस्ट्री का जो हमारी यूनिट चली हुई सॉल्यूशन, उसमें आज पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, कुछ स्टोरी के साथ पढ़ेंगे हम। सबसे पहले पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी BILITY, सोल्युबिलिटी SOLUBILITY, सोल्युबिलिटी ऑफ, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ है सोल्यूट इन ए गिवन या डेफिनेट इन ए डेफिनेट गिवन अमाउंट ऑफ ए सॉल्वेंट एट डेफिनेट टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है किसी सॉल्यूशन सॉल्वेंट के अंदर दिए गए, मान लो 1 लीटर है या उसकी कुछ वॉल्यूम है, दिए गए सॉल्वेंट के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो डिजोल्व हो सकती है, सॉल्वेंट एट डेफिनेट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी। क्या बोलेंगे उसको? सोल्यूबिलिटी। और हमारा टॉपिक रहेगा सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। तो इसके अंदर कुछ चीजें पढ़ेंगे हम, 3 चीजें मेजर पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे डिसोल्यूशन भी बोलते हैं। दूसरा पढ़ेंगे क्रिस्टेलाइजेशन और थर्ड पढ़ेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आइए सबसे पहले डिसोल्यूशन का या डिसोल्यूशन का डिस्कस करते हैं। When some salt or sugar is dissolved in a solvent or a liquid, जब हम चीनी को या नमक को किसी सोलवेंट के अंदर डिजोल्व करते हैं, इट मीन्स कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज इंक्रीज इन दैट सोलवेंट। यानी उस सोलवेंट के अंदर उसकी कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है। जैसे मान लो कोई पानी है, उसके अंदर हमने साल्ट डाला, तो साल्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ने का मतलब है वो पानी पहले से क्या हो गया? नमकीन। अगर शुगर डाली या शक्कर डाली तो वो पानी कैसा बन गया? मीठा हो गया। उसका टेस्ट कैसा बन गया? मीठा। इसका मतलब है उस सोल्यूट की कंसेंट्रेशन सोलवेंट के अंदर बढ़ रही है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसोल्यूशन। कहां से आया? डिजोल्व से। अब हम क्या देखते हैं, सेम सिचुएशन कुछ आफ्टर सम टाइम, कि व्हेन मोर सॉल्यूट एडेड इनटू सॉल्वेंट, जब ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट ऐड किया जाता है, सम पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट लेफ्ट द सॉल्यूशन, या अपना ग्रुप बना लेते हैं, या हमने देखा कुछ साल्ट और शुगर शर्करा सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, वेसल के अंदर या बर्तन के अंदर अपना वो एक ग्रुप बना लेते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। अब क्या होता है, जैसे जैसे हम उसके अंदर सोल्यूट डालते हैं, एक ऐसी स्टेज आ जाती है, नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व इन टू सोलवेंट इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर
और प्रेशर वी चेंज द टेम्परेचर एट हाई रेट, हाई रेट पे भी टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर देते हैं तो और सोल्यूट उसके अंदर डिजोल्व नहीं होता। इस प्रोसेस को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब क्या था, जब दिस सॉल्यूशन का मतलब मोर सॉल्यूट डिजोल्व एंड एट द सेम टाइम एंड सम सॉल्यूट लेफ्ट द सॉल्यूशन स्टेज इक्वली चलती है तो क्या एक स्टेज आ जाती है जिसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब पढ़ेंगे हम इफेक्ट या फैक्टर अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। फैक्टर पढ़ेंगे कौन कौन से हैं, फैक्टर इन चीजों का जरूर डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स देखो क्या क्या होते हैं इसके अंदर। फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड, सबसे पहला है नेचर ऑफ द सॉल्यूट, नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा है टेम्परेचर। थर्ड है प्रेशर। थर्ड क्या है? प्रेशर। हमने वो स्टोरी सुनी है कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कि लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक, एज लाइक ए पोलर डिजोल्व इन पोलर, नॉन पोलर डिजोल्व इन नॉन पोलर, एज लाइक साल्ट और शुगर डिजोल्व इन वाटर बिकॉज साल्ट और शुगर आर पोलर, वाटर आल्सो पोलर। सिमिलरली बेंजीन एंथ्रासीन नेप्थालीन आल्सो डिजोल्व इन लाइक नॉन पोलर सॉल्वेंट। सिंपल है, इसमें तो यही याद रखना है भाई जो सेम है वो सेम के अंदर डिजोल्व होगा और आपका जो एक जैसा नहीं है वो उसके अंदर डिजोल्व नहीं होगा, लाइक डिजोल्व लाइक। जैसे NaCl है, KCl है, K2SO4 है, आर डिजोल्व इन वाटर। बेंजीन और पेट्रोल आपस में मिक्स हो सकते हैं, ये पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होंगे, ऑयल वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होता, ये पढ़ा हमने। अब जो मेजर अपना फैक्टर है टेम्परेचर, अपना जो टेम्परेचर का इफेक्ट है उसके बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी बढ़ती भी है और उसके बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी घटती भी है। अगर आपका प्रोसेस एंडोथर्मिक है, ध्यान से सुनना, अगर डिसोल्यूशन का प्रोसेस, इफ द प्रोसेस ऑफ ए डिसोल्यूशन डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक का मतलब है एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी अवशोषित होती है, ठीक है। अगर आपका प्रोसेस एंडोथर्मिक है यानी कि डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा एच की वैल्यू क्या रहेगी? मोर देन जीरो, सॉल्यूशन जीरो। तो आपका टेम्परेचर बढ़ाने से, इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर सोल्यूबिलिटी आल्सो इंक्रीज। इतना याद रखना, मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको थोड़ी देर में। यदि आपका प्रोसेस एंडोथर्मिक है, ठीक है, और टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। दूसरी ओर अगर आपका प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है यानी डेल्टा एच की वैल्यू लेस देन जीरो है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपकी सोल्यूबिलिटी घटेगी, ठीक है। अगर आपका प्रोसेस एंडोथर्मिक है, मैं उसकी जिक्र करूंगा अकॉर्डिंग टू ले चैटलियर प्रिंसिपल, जो हमेशा जो चेंज होता है उसका क्या करता है? अपोज। इसलिए आपकी सोल्यूबिलिटी बढ़ती है, यहां पर आपकी सोल्यूबिलिटी घटती है। एक स्टोरी से इसको समझेंगे, इससे समझेंगे स्टोरी से। टेम्परेचर के इफेक्ट को आइए एक स्टोरी से समझते हैं। मान लो कोई पार्टी फंक्शन है, वहां पर जैसे डीजे डांस डांस वांस हो रहा है, तो जो बच्चे हैं उस गैंग के अंदर
ज्वाइन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? ज्वाइन होते हैं बच्चे। अगर आपका डिसोल्यूशन का प्रोसेस प्रोसेस कैसा है? एंडोथर्मिक। कैसा है? एंडोथर्मिक है। इस प्रोसेस में जितने बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं वो एनर्जी क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। और साथ में उसमें से कुछ ग्रुप ऐसे बनते जा रहे हैं, भई ये मेरे काम का गाना नहीं है, सॉन्ग नहीं है, वो उस गैंग को तोड़ रहे हैं। यानी जो एनर्जी रिलीज होती है और यानी बॉन्ड बन रहे हैं तब तो एनर्जी रिलीज होती है। जब बच्चे उस गैंग को छोड़ के जा रहे हैं तो बॉन्ड टूट रहे हैं, तो उसमें एनर्जी देनी पड़ती है। उसमें एनर्जी यानी जितनी रिलीज होती है उससे ज्यादा हमें, जैसे कोई बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, उन बच्चों को निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। इस ओवरऑल प्रोसेस में हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आपकी सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज, टेम्परेचर के बढ़ाने से। समझ गए? जो बच्चे आ रहे थे, जो एनर्जी रिलीज हो रही थी, जो बॉन्ड बन रहे थे, उससे कहीं ज्यादा एनर्जी यूज होती है जब वो यानी कि डिसोल्यूशन बना था, जो एनर्जी रिलीज होती है बॉन्ड बनने में, और जब नीचे सेटल डाउन होते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं, उसमें कहीं ज्यादा एनर्जी बॉन्ड को तोड़ने में यूज हो रही है। तो ओवरऑल प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक है। इस प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारी सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर आपका प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, क्या है? एक्सोथर्मिक है, ठीक है, जो एनर्जी ऑलरेडी रिलीज होती है वो बॉन्ड टूटने से ज्यादा है ऑलरेडी, यानी इतनी ज्यादा इस सिस्टम के अंदर एनर्जी है और उन और ज्यादा एनर्जी हमें नहीं चाहिए, तो इसके बाद भी अगर हम अपने टेम्परेचर को यानी कि जो बॉन्ड बन रहे हैं वो ऑलरेडी एनर्जी बहुत ज्यादा है, किससे? जो बॉन्ड टूट रहे हैं यानी जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हो रहा है उससे कहीं ज्यादा एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन में है। अगर आप फिर भी टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो सिस्टम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आपकी एनर्जी इन टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो ये किसका इफेक्ट था? टेम्परेचर का। और प्रेशर का इफेक्ट देखें तो सोलिड आर क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल होते हैं। देर इज नो इफेक्टिव या देर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ ए सोलिड इन ए लिक्विड। ये आपका एक मजेदार कंटेस्ट का मजेदार टॉपिक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।